हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंडियन विलेज का एक हाउस का सीन पेंटिंग करके दिखाऊंगा, यानी कि एक गांव का घर का सीन कैसा होता है वो मैं आज आपको पेंटिंग करके दिखाऊंगा। और आज की इस पेंटिंग वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज़ सिखाऊंगा, एक ऐसा टेक्निक समझाऊंगा पेंटिंग का, जो समझने के बाद आपको कोई भी पेंटिंग करने का जो फॉर्मूला है, जो मेन फार्मूला है, वो आपको पता चल जाएगा। और ये जो फार्मूला है, जो टेक्निक है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेंटिंग में। तो इसीलिए अगर आप वो टेक्निक सीखना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वो टेक्निक्स क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसीलिए चलिए हम पहले थोड़ा सा पेंटिंग कर लेते। अगर मैं बिना पेंटिंग करके ही वो टेक्निक आपको बता दूँ तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए चलिए पहले पेंटिंग करते और उसको पेंटिंग करते करते मैं आपको समझाता हूँ कि वो टेक्निक क्या है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने तो एक ग्राफ करके एक स्केच कर लिया है पेंसिल से, और उसके बाद देखिए मैंने जो स्काई का कलर है वो मैंने दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, कोई भी सीनरी पेंटिंग करने में जो दूर का चीज़ है वो आपको पहले पेंट करना होगा, और जो पास का चीज़ है वो आपको सबसे एंड में पेंट करना होगा। तो इस पेंटिंग में दूर का चीज़ क्या है, स्काई, ऑब्वियसली, क्योंकि स्काई सबसे ज़्यादा दूर है। तो आप स्काई पेंट करने के बाद दूर का चीज़ क्या रहेगा, दूर का जो पेड़ है, ठीक है, मतलब जो बड़ा सा ग्राउंड है उसके एंड में जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहा है दूर से, तो वो पेड़ हमने पेंट कर दिया। तो वो पेड़ हमने पेंट किया जो ग्रीन कलर है, उसके साथ में थोड़ा सा व्हाइट कलर मिला दिया, तो उस कलर से मैं दूर का पेड़ पेंट कर दिया। तो अब देखिए, स्काई हो गया, दूर का पेड़ हो गया, अब और क्या चीज़ होता है दूर का, जैसे कि ये ग्राउंड। तो इसे देखिए, मैं ग्राउंड को पेंट कर रहा हूँ, यानी कि घास। तो घास को पेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो बेसिक कलर है यानी कि ग्रीन कलर, तो उसको मैंने दे दिया थोड़ा सा डीप करके। अब दूर का जो घास है तो उसको थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा। आपने शायद सुना होगा कि दूर का घास ज़्यादा ग्रीन दिखता है, असल में कहावत नहीं, ये सच भी है कि दूर का जो घास होता है वो ज़्यादा ग्रीन दिखता है। तो इसीलिए हमने देखे क्या किया, हमने जो दूर का जो घास है उसको मैंने थोड़ा सा लाइट करके पेंट कर दिया। तो उसमें मैंने क्या किया, जो ग्रीन कलर है उसके साथ मैंने थोड़ा सा येलो कलर मिला दिया, तो हमारा जो ग्रीन कलर है वो लाइट हो गया। तो अब देखिए, हमने घास तो रफ करके पेंट कर दिया, अभी और थोड़ा सा मतलब घास पेंट करना बाकी है, लेकिन उससे पहले यह बार जो घर होगा इस घर को हम पहले पेंट कर लेते हैं। तो देखिए, घर का जो दीवार का कलर है उसको देखिए हमने क्या किया, ऐश कलर से पेंट कर दिया। तो यहाँ पर आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि जो दो दीवार है, दो दीवार पर मैंने दो अलग से पेंट किया, मतलब एक तरफ थोड़ा सा लाइट, एक तरफ थोड़ा सा डीप। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि एक तरफ लाइट्स पड़ रहा है और एक तरफ शेडो हो रहा है, तो इसीलिए दो दीवार को मैंने दो अलग अलग तरीके से पेंट किया। तो देखिए, दीवार पेंट करना हो गया। अब घर के सामने जो डाइनिंग एरिया है तो उसको अभी हम देखे पेंट कर रहे हैं, तो ये भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पेंट कर रहा हूँ, ऐश कलर से ही। और इसको पेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम घर का जो छत है, ठीक है, उस छत को पेंट करेंगे। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे और ज़्यादा शेडो बना रहा हूँ, क्योंकि इधर ज़्यादा शेडो है घर के जो छत की वजह से। तो गैस, ये जो कलर है, कलर आपको बहुत ही ध्यान से देना पड़ेगा। अच्छा, जो कलर है इसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूँ कि ये जो कलर है, अगर आपको इस कलर के बारे में जानना है कि मैं ये कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बताया कि मैं कौन सा कलर यूज़ करता हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये है अर्थ कलर, मतलब एक तरह का एक्रिलिक जैसा ही कलर है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता कलर है। तो अगर आप इस कलर के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके मेरे इस कलर के बारे में डिटेल में जान सकते हो कि ये कौन सा कलर है, और भी बहुत कुछ आप जान सकते हो। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये देखिए, अब मैं घर का जो छत है, छत को मैं पेंट कर रहा हूँ। तो जो गांव का घर होता है ना, पहले, अभी तो शायद नहीं होगा, लेकिन पहले के ज़माने में गांव का जो घर होता था वो कुछ इस टाइप का होता था, यानी कि घर के छत में जो घास फूस है उससे वो लोग घर का छत बनाते थे। जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में भी ऐसा घर हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसा घर नहीं है, अभी बहुत चेंज हो गया है घर का जो तरीका है। तो जो भी हो, देखिए, मैं घर का जो छत है वो मैंने येलो कलर से, ब्राउन कलर से और थोड़ा सा व्हाइट कलर से पेंट कर दिया। अब घर के सामने जो ज़मीन है उसको मैं देखिए अभी मैं पेंट कर रहा हूँ। तो गाइस, ज़मीन को मैं पेंट कर रहा हूँ जो बिस्किट कलर है उस कलर से। अब देखिए, जो बिस्किट कलर है ये येलो कलर और थोड़ा सा रेड कलर और थोड़ा सा व्हाइट कलर का मिक्स्ड है, ठीक है।
तो ये देखिए, अभी मैं वाइट कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ जो ज़मीन है सामने का उसको, और साइड में जो शेडो है उसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर से मैं शेडो दे रहा हूँ। तो घर के सामने ज़मीन हमने पेंट कर दिया है, अब घर के साइड में एक बड़ा सा पेड़ को पेंट करना है। तो ये देखिए, मैंने ब्लैक कलर से जो पेड़ है उसको मैंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया है, और ब्लैक कलर और उसके साथ जो ग्रीन कलर है उसको मैंने मिक्स कर दिया। तो ये देखिए, अब मैंने पेड़ का जो पत्तियाँ है उसको मैं अभी देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने डार्क से स्टार्ट किया, सबसे पहले ब्लैक कलर, उसके बाद देखिए थोड़ा सा डार्क ग्रीन, उसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके जो लाइट्स है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए, और जब एंड में मैं सबसे ज़्यादा लाइट कलर से मैं पत्तियाँ को पेंट करूँगा। ये देखिए, मैंने लाइट ग्रीन कलर से मैं अब इस पत्तियाँ को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गैस, अब देखिए, अब आ गया है वीडियो का मेन पार्ट, यानी कि जो पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, तो अब ये पार्ट आ गया है। तो ये पार्ट क्या है, ये है शैडो का। कोई भी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शैडो। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं शैडो बना रहा हूँ। ये जो पेड़ है, पेड़ का शैडो है, पेड़ का शैडो जो घर के ऊपर पड़ रहा है, घर के साइड में पड़ रहा है, देखिए आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, है ना। तो ऐसे ही कोई भी पेंटिंग में आप अगर हाइलाइट्स कर रहे हो कोई भी चीज़ों को, घर हो गया, पेड़ हो गया, कोई भी चीज़, लेकिन अगर उसका शैडो आप नहीं बनाओगे तो आपको जो पेंटिंग है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जितना ज़रूरी है पेंटिंग में हाइलाइट्स करना चीज़ों को, उतना ही ज़रूरी है पेंटिंग में चीज़ों को शैडो बनाना, ठीक है। हाइलाइट्स का उल्टा है ये, क्योंकि अगर आप शैडो नहीं बनाओगे तो आपका पेंटिंग में जो 3D लुक है वो नहीं आएगा। देखिए ना, मैंने कैसा जो पेड़ पेंट किया, उसके साइड में जब मैंने शैडो को पेंट किया, आप देखिए जो घर है, जो पेड़ है, वो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, है ना। तो आप देखिए, ये जो मैं पेड़ पेंट कर रहा हूँ, ये तो मैं पेंट करूँगा पिंक कलर से, लेकिन जब इसका भी मैं शैडो दे दूँगा तब देखिए ये पेड़ भी बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है पिंक कलर, पिंक कलर से मैं इस पेड़ को पेंट ज़रूर करूँगा, लेकिन सभी जगह पर ये पिंक कलर मैं नहीं दूँगा। एक साइड में जहाँ पे लाइट्स आ रहा है उस साइड में मैं पिंक कर दूँगा, जहाँ पे लाइट्स नहीं आ रहे उधर मैं शेडो ही छोड़ दूँगा, ताकि पेड़ थोड़ा सा 3D लुक दे सके। तो ये देखिए, मैंने एक साइड में ज़्यादा लाइट्स दिया है और एक साइड पर मैं डार्क ही रख दिया है, क्योंकि पेंटिंग का एक तरफ जैसे कि लाइट्स है और दूसरी तरफ आपको शेडो भी पेंट करना होगा। अब देखिए, लाइट्स के लिए शेडो इतना क्यों ज़रूरी है, ये आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा। आपने शायद देखा होगा कि जब भी दिवाली आती है, जब आप दिवाली की रात में जब आप पटाखे फोड़ते हो या फिर आसमान में आप कोई भी फायरवर्क्स देखते हो, तब आप ये नोटिस किए होंगे कि रात को ये फायरवर्क्स आसमान में देखने में अच्छे लगते हैं। अब अगर यही फायरवर्क्स दिन में होता है तो वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लाइट्स होंगे। तो पेंटिंग में भी ऐसा होता है, आप कोई भी चीज़ जब हाईलाइट कर रहे होंगे तब आप ये ध्यान रहेगा कि उसके ऑपोजिट साइड में आपको डार्कनेस भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर डार्कनेस नहीं करोगे तो आपको जो चीज़ है वो 3D लुक नहीं आएगा और वो पेंटिंग में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो लाइट एंड शेडो का जो चीज़ है, जो फार्मूला है, जो मैं आज आपको सिखाया, ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। क्योंकि जब कोई भी बिगिनर्स होता है, जब मैं भी बिगिनर्स था, जब मैं पेंटिंग सीख रहा था, हालांकि अभी भी मैं पेंटिंग सीख रहा हूँ, लेकिन जब मैं बहुत ही बिगिनर्स था तो उस टाइम पर मैं ये गलती बहुत करता था। मैं कोई भी पेंटिंग मारता था लेकिन देखता था कि उस पेंटिंग में 3D लुक या फिर पेंटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्यों नहीं लग रहा है, तो ये मैं उस टाइम नहीं समझ पाता था। लेकिन आज मेरे को समझ में आ गया है कि इसका असली वजह यह है कि मैं उस टाइम पे लाइट एंड शेडो का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग में हाईलाइट करता था और इसीलिए मेरा पेंटिंग उतना अच्छा नहीं लगता था। तो आई होप जो लोग बिगिनर्स है वो लोग आज इस पेंटिंग वीडियो से बहुत कुछ उनको सीखने को मिला है, खासकर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि लाइट एंड शेडो का जो मसला है पेंटिंग में, वो चीज़ शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम से आपके पेंटिंग में ये चीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अगर आप पहले से ये अप्लाई नहीं करते थे तो।
क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे अपना पेंटिंग किया हुआ फ़ोटो भेजते और मैं देखता हूँ कि अक्सर वो लोग ये गलती करते हैं, तो इसीलिए आगे से आप ये गलती मत कीजिए। और वैसे मेरे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, मेरा जो ब्लॉग चैनल का लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। मेरा ब्लॉग चैनल पर आपको ये जो मैं पेंटिंग बनाता हूँ और सारा दिन जो मैं क्या क्या काम करता हूँ उसका बिहाइंड द सीन आपको उस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपने मेरा ब्लॉग चैनल फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो देखिए मेरा जो पेंटिंग है ये लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ये देखिए हमारा पेंटिंग फाइनली कम्प्लीट हो गया है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट पेंटिंग वीडियो में।